हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया हैं? सब लोग अच्छे हैं? देखिए, आज वीडियो बना करके डाल रहे हैं हम, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू भी है और हम मुजफ्फरपुर में अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या होता है वीडियो बना करके डाल रहे हैं। हम लोग का जो अगला चैप्टर था थोड़ा सा उसमें से हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम आएंगे आगे, फिर अगले दिन से लाइव क्लास में, मतलब सैटरडे से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला जो चैप्टर है ना अपना, अगला जो है चैप्टर आप लोगों के बुक में, वो पैरेलल लाइंस है। सब लोग देखिएगा, पैरेलल लाइंस दिया हुआ है। पैरेलल लाइंस बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर ये, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो टेंशन नहीं लीजिए, अगले क्लास जब लाइव क्लास होगा उसमें सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेगा। पैरेलल लाइंस क्या होता है, अगर पूछा जाए कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक वैसी लाइन जो कभी मीट भी नहीं करे, कब मिले ही नहीं, कभी भी नहीं मिले, अगर उसको आगे बढ़ाएंगी तभी भी नहीं मिले। मतलब टू और मोर लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर इफ दे डोंट मीट टू ईच अदर इवन एक्सटेंडेड इंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। मतलब अगर किसी दो लाइन या दो से अधिक लाइन को पैरेलल हम तब बोलेंगे जब वो लाइन कभी खुद पर मिले ही नहीं एक दूसरे से, चाहे आगे दोनों साइड कितना भी बढ़ाएं वो कभी मिले ही नहीं, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे आप बोल सकते हैं टू और मोर लाइन्स, टू और मोर लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट, which don't intersect each other even extended endlessly in both directions। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो दो ही लाइन लेते हैं ना, जैसे एक लाइन लाइन को लेबलिंग कर सकते हैं, ऐसे दो तरीके से करते हैं, बताया था ना, एक तो स्मॉल लेटर से करेंगे या फिर अगर कैपिटल लेटर से करते हैं तो दो कैपिटल लेटर का यूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं एक लाइन ए है और एक लाइन बी है, ठीक है, और एक और दूसरा लाइन ले लो ये सी और डी, ठीक है, सी और डी, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस होंगे। क्योंकि अगर इसको और आगे एक्सटेंड किया जाए, चाहे इस डायरेक्शन में या इसको भी और आगे एक्सटेंड किया जाए या इसको भी और आगे एक्सटेंड किया जाए तो ये कभी मिलेगा नहीं, सब एक ही पॉइंट पर रहेगा। मतलब ये कभी एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करेगा, टकराएगा नहीं, मिलेगा नहीं। इस तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। और सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस, सिंबल ऑफ पैरेलल पैरेलल लाइंस का क्या सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है। तो यहाँ अगर आपको ए बी जो लाइन है ना, ये लाइन ए बी पैरेलल है, लाइन क्या हो गया सी डी के पैरेलल है। अब इसके बीच में एक और बात होता है, अनुभव ऐसे भी बोल सकता है कि पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो उसके डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ना फिक्स होता है, मतलब हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, ठीक है, मतलब हमेशा सेम होता है। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये डी लंबाई का है ना, तो ये भी आपका डी लंबाई का भी होगा और ये भी कितना होगा, डी लेंथ ही होगा, समझ गए। तो आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, एंड इट इज द डिस्टेंस, एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लिख दिए, उसके बाद ये लाइन लिख दिए पैरेलल लाइंस, ठीक है, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी है। अगर मान लो दूसरे एग्जांपल से देखें, जैसे मान लो ये अगर एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, एल और एम है, अगर यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है ना, तो कहीं पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ना हमेशा 10 सेंटीमीटर ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ, समझ में आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। जो भी डाउट होगा लाइव क्लास में आएंगे तो आप पूछिएगा कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया था, जो भी होगा। ये तो हम लोग पैरेलल लाइंस देख लिए, इसी तरीके से पैरेलल रे भी होता है, बस ये लाइन है और रे है, मतलब पैरेलल रे होगा ना तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दो रे कभी इंटरसेक्ट नहीं करता हो तो उसको बोलेंगे पैरेलल रे। जैसे सन का लाइट आता है ना तो बहुत रे होता है उसमें, तो रेज ऑफ सन जो होता है पैरेलल होता है, वो कभी एक दूसरे को टकराता नहीं है। आफ्टर क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद ही टकराता है, लेकिन वहाँ से जब आता है तो डायरेक्ट पैरेलल होता है। तो आप बोल सकते हैं कि रे ऑफ सन जो होगा वो आपका पैरेलल होगा। तो इसमें पैरेलल रे भी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पैरेलल रे के बारे में। पैरेलल रे के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप बोलिएगा ऐसे कि द टू रेज आर सेड टू बी पैरेलल रेज इफ दे डोंट मीट ईच अदर, जब एक दूसरे से नहीं मिलता है तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल। जैसे एक ये रे हुआ और एक ये रे हुआ, ध्यान दीजिएगा ये दोनों रे हुआ, ठीक है। नाम देते हैं, ये ए हुआ, ये नाम बी हुआ, ये नाम इसका सी हुआ और इसका नाम डी हुआ। अब ये आपका रे है ना, आप समझ रहे हैं रे है, इस पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट एक इंडिंग पॉइंट है और ये इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी आपका रे है। पैरेलल है तो ऐसे बना दीजिए, सिंबल होता है। इसके बीच में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या होगा, हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। ये आपका पैरेलल रे के बारे में हो गया। उसी तरीके से पैरेलल लाइन सेगमेंट भी आपके बुक में दिया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट वो भी होगा, वो भी बता देते हैं। पैरेलल लाइन सेगमेंट बस वही है, पैरेलल लाइन सेगमेंट में दो लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट होगा तो दोनों का दोनों एंड पॉइंट फिक्स होगा ना। दो लाइन सेगमेंट होगा मतलब एक ए, ए बी एक लाइन सेगमेंट हुआ और दूसरा लाइन सेगमेंट आपका मान लीजिए सी बी हुआ, तो ये भी आपको क्या कहलाएगा, ये दोनों के दोनों आपको पैरेलल लाइन सेगमेंट कहलाएगा। कब, जब इनके बीच की दूरी जो होगी समान होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनका सेम होगा। मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ जो ए बी है मतलब लाइन सेगमेंट है ना, तो यहाँ बोलेंगे कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है पैरेलल है लाइन सेगमेंट सी डी के, ऐसे आप बोल सकते हैं। इस तरीके से पैरेललोग्राम वाला देखिए आप, सॉरी पैरेलल लाइंस देखिए। अब पैरेलल लाइंस के बाद आप आगे देखिए ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल के बारे में हम लोग देखते हैं, ट्रांसवर्सल क्या, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें आपका बहुत सारा कुछ इस पर बनेगा, ठीक है, बहुत सारा सवाल बनेगा इस पर, देखिएगा ट्रांसवर्सल इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक लाइन को, ठीक है, जब दो या दो से अधिक लाइन को एक लाइन अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल कब बोलते हैं देखिएगा, ट्रांसवर्सल को हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट या फिर आप एक लाइन भी बोल सकते हैं, लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। जब एक लाइन जो होगा
दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पर कट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे एक लाइन ये हुआ और एक लाइन ये हुआ और इसको एक कट करता है, मान लेते हैं एक लाइन और, या ध्यान दीजिएगा ये एल हुआ, एक लाइन स्मॉल लेटर से भी लेबलिंग कर सकते हैं ना, ये कैपिटल एक और एम हो गया लाइन हो गया एन हो, तो यहाँ तीन लाइन है, एक लाइन है एम ये वाला, एक लाइन है ये एन और एक लाइन है एल, इसको इंटरसेक्ट करता है, मान लीजिए पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ट्रांसवर्सल का ये डेफिनेशन होता है कि ऐसा लाइन जो किसी दूसरे लाइन को, मतलब दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल। मतलब बोल सकते हैं कि हेयर एल इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, एल इज अ ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ लाइन एम एंड एन, ऑफ लाइन एम एंड क्या होगा एन, लाइन एम और एन का ये दो ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, ठीक है, लाइन एल और लाइन एम का ये दो ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, समझ गए। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि दोनों लाइन पैरेलल ही हो, बस इतना ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक लाइन होगा और उसको एक दूसरा लाइन दो अलग अलग पॉइंट, मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट पर कट करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल। जैसे आपको ये लग रहा होगा पैरेलल, आप दूसरा भी बना सकते हैं, मान लीजिए ऐसा एक लाइन ले लीजिए, एक ऐसा लाइन ले लीजिए और एक इधर से दूसरा लाइन है, अभी तो ये पैरेलल नहीं है ना। अच्छा, लोग आपसे पूछेगा कि ये लाइन पैरेलल, ये देखो ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल है, हम बोलेंगे अभी तो पैरेलल नहीं है, लेकिन जैसे ही आगे इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो ये मीट कर जाएगा। तो अगर कोई लाइन अभी पैरेलल नहीं दिख रहा हो और आगे एक्सटेंड करने पर वो मीट कर जाए, तो इस तरह के लाइन को हम बोलते हैं एसक्यू लाइन, एसक्यू लाइंस, ठीक है। मतलब द टू लाइंस व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट एट द सेम टाइम बट व्हेन दे आर एक्सटेंडेड दे कैन मीट टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड एसक्यू लाइंस। मतलब वैसा दो लाइन देख रहे हैं अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन आगे बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा ये, चाहे आप दूसरे शब्द में ऐसे ही बोल सकते हैं कि इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं है, लेकिन मिल रहा भी नहीं है, लेकिन आगे अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये मिल जाएगा। इस तरह के लाइन को आप लोग बोलते हैं एसक्यू लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। तो ट्रांसवर्सल होने के लिए बस दो कंडीशन ध्यान में रखना है, एक तो कि दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करे, मान लीजिए ये मान लीजिए आर, ये मान लीजिए एस और ये टी, तो आर एस टी तीन लाइन दिया हुआ है, तो एस और टी को एल और एम पर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो लाइन आपका आर जो होगा वो लाइन आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। मतलब आर इज द ट्रांसवर्सल, आर इज द ट्रांसवर्सल, आप यहां लिख देता हूं, आर इज द ट्रांसवर्सल ऑफ एस एंड टी, ठीक है, आर जो होगा एस और टी का ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। आई होप यहां तक सब लोगों को क्लियर होगा, तो फिलहाल आप इतना ही रखिए, अगली बार जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, अगले दिन जब हम आएंगे तो लाइव क्लास में और भी जो भी डाउट्स होगा सब हम आपका क्लियर कर देंगे, सारे के सारे डाउट्स आपको हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग ना होमवर्क बना करके लाइएगा, डाउट होगा तो एग्जाम्पल से देख करके बना करके स्टेटमेंट देख करके लाइएगा। आप लोग एक्सरसाइज का जो है ना 3-7 तक कंप्लीट करके आना, 7 तक डू क्वेश्चन 1-7 सारे बच्चे 1-7 तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग सैटरडे को मिलते हैं, ठीक है, सैटरडे को मिलते हैं, तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे लाइव, ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको हम एंड करते हैं। बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।